फोन सुबह जल्दी तुम चार्ज हो जाना भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। 5 बजे हमारे जल्दी अगर चार्ज नहीं हुए ऐसा मुझे ना घर आराम सो जाएंगे। सो जाना नहीं है, चार्ज होना है हमको सुबह जा। ये तो आपको मोन्ट कर नहीं दिखाऊंगा, समझ लेना कि हमको नहीं दिखाई वो बैग के अंदर डाल दूंगा सुबह फोन सुबह सब बंद करके। फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हमारे साथ में कौन है बताएं, मिस्टर गणपत भाई एंड निकू बना। अबे यार सरप्राइज है सबके लिए, आपका भाई जा रहा है माउंट। भाई तो फाइनली अभी मैं भागोड़ा हूँ, और कहाँ पे जा रहा हूँ ये तो आपको पता ही है, माउंट जा रहा हूँ। ये बड़ी अपनी कावा गाड़ी है, इसमें मैं जाऊँगा, और साथ में भी फ्रेंड है वो मैं दिखाऊंगा आपको। और अभी हम रवाना होने वाले हैं, आगे जो जो भी आएगा मैं बताऊंगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो एक प्यारा सा, ताकि मुझे पता चल जाए। तो अब साथ में मेरे दोस्त है मिस्टर निकू एंड गणपत ब्रो, और उस साइड जो वाह यार क्या लग रहा है यार, इसमें पूरा जोश से जाने का। और ये हमारे इस ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब इनको मारवाड़ी बोले तो नेता साहब भी कहते हैं। और साथ में है और भी पीछे है, मतलब देवराज है जो जानते भी हैं बहुत लोग, मतलब मेरे बहुत ब्लॉग में भी आ चुका है। एंड अशोक है वो भी मेरे ब्लॉग में आते हैं, ये जो दोस्त है वो सभी मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं माउंट जो आपको बताई है, और आगे हम जो भी आएगा मैं बता दूंगा। गाइज आपका भाई पहुंच चुका है बिनमाल में, एंड दुकानें वगैरह तो सब कुछ बंद है। और अभी हम जा रहे हैं आगे, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में आपको बताया था ना तोप, उसी तोप को मैं अभी दिखाऊंगा जो साइड में आगे आपको दिख रही होगी, जैसे कि वो शिफ्ट गाड़ी जा रही उसके जस्ट आगे। अबे वो क्या है, वाह बेटे वाह, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो। आपका भाई जसनपुरा क्रॉस कर चुका है और मजे से सो रहे हैं। हमारे साथ में सबसे बड़ी बात है, मतलब दुख की बात है कि हमारा एक दोस्त जो हमारे 3 दिन साथ में और साथ में रहा, आने के लिए बहुत रेडी था, बट उसके कुछ काम हो गया इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। तो पर्सनली उनके लिए कि गणपत भाई रियली मिस यू, मिलेगा शाम को पक्का। आपका भाई अब रेवदर पहुंच चुका है, यानी कि मतलब भिनवाल से आगे आता है, और होटल पे बैठे हैं चाय पीने के लिए, और साथ में फ्रेंड है तो दोस्त दोस्त बैठे हैं, देख लो अच्छा है कि वेट कर रहे हैं, अच्छा है वहाँ से बन के आएगी, हमने अभी ऑर्डर किया है। और आज पता है दुकानें वुकानें बंद है क्योंकि आज संडे है। और गणपत भाई हम बागोड़ा होते तो इस टाइम क्या करते, अभी हम गोलगप्पे खाते होंगे, वो उसको क्या कहते हैं बेल, यही नहीं अभी और सुनिए, बेल वगैरह खाते होंगे, वीआईपी लोग बेल खाते नहीं है। ये वीआईपी लोग कौन है, ये मतलब भाई ने बोला ये वीआईपी लोग हमारे निकू है, ये वीआईपी लोग है और रेल वगैरह कुछ खाते नहीं है, ये ओनली फॉर क्या खाते हैं बताएं, 10-15 रुपए में इनकी पकौड़ी, इतनी वो कैपेसिटी है 10-15 रुपए में दाब जाते हैं। और ये हमारे बेटे सबसे पहले साहब भी इसने लिए क्योंकि खाने पीने में संकोच नहीं रखता है और भूखा करता है। तो सही है यार, खाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं कोई भी, इनका बोला था वीआईपी लोग ये बेल वगैरह नहीं खाते हैं। हम चाय पी रहे, चाय की सुस्की के साथ अपने ब्लॉग में चाय होनी जरूरी है, लाइफ में भी चाय पिया करो यार, ये नशा नहीं है, कुछ बुला ये सुकून है, सुकून चाय पीने का एक अलग ही अंदाज है। साहब पी लिए हमने और हम वापस रवाना हो चुके हैं आई मिस यू होटल, और आएंगे इस होटल पे कभी। Thank you.
भाई तो फाइनली आपका भाई आबू रोड में पहुंच चुका है। आई मिस यू। जहाँ से मैंने कॉलेज की थी फर्स्ट ईयर, वहीं पे मैं पहुंच गया हूँ। ये रास्ता जा रहा है जो माउंट ऊपर चढ़ेगा, और ये देख सकते हो आप माउंट आबू से नीचे जस्ट 20 किलोमीटर आबू रोड। तो ये आबू रोड का नज़ारा है, आप देख सकते हो। दुकानें तो बंद है, आज संडे है। तो ऑल इंडिया अभी मैं आबू रोड में रुका हूँ, और आप पीछे जो रोड देख रहे हो इसी रोड से मतलब ऊपर चढ़ने का रास्ता है ये आबू रोड। और यहाँ का मौसम यार क्या ही बताऊँ, बहुत ही अजीब है। मैं यहाँ पे रह के गया हूँ 2 साल, एंड यहीं से मेरी फर्स्ट ईयर हुई थी। मैंने फर्स्ट ईयर यहीं से की है आबू रोड से, और वो रास्ता सीधा माउंट ऊपर जाता है। और आपका भाई अभी पहुँच गया आबू रोड, और अभी पहुँचने वाला है, ऊपर चढ़ूँगा यार। तो आते वक्त मैं दिखाऊँगा बाहर का नज़ारा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट शिफ्ट होऊंगा, जहाँ रूम में होऊंगा, जहाँ खाना खाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। ताकि अभी तो नाइट है, तो नाइट में तो मैं यार आपको क्या ही बताऊं। आते वक्त ऊपर वाले रास्ते वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको। तो अभी तक आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे शेयर कर दो, ताकि आपको और भी इंटरेस्ट आए देखने में। और हमारे यार दोस्त, यार ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट बात है ना, दोस्त होने ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्त नहीं हुए ना तो यार कुछ अच्छा नहीं लगता। दोस्त अपने ऐसे हैं कि क्या ही बताऊँ यार, लव यू यार। कई भी टाइम में, नाइट में, डे में, कभी भी कॉल करो, हाजिर होते हैं यार ऐसे दोस्त। मेरे को मिलने पर मज़ा आ रहा, लव यू यार। कई तो ये रास्ता है अभी ऊपर जाने के लिए, और हम जा रहे हैं, मत करो। और ये माउंट की हिल आप देख सकते हो नाइट की, क्योंकि अभी नाइट में मैं आया हूँ। अभी हम जा रहे हैं, और अभी मैं डायरेक्ट जहाँ पे शिफ्ट होऊंगा रूम में, वहीं पे मैं मिलूंगा आपसे। क्योंकि अभी देखो ऐसा इलाका है, और ऐसे में कैमरे वगैरह कुछ आते नहीं साहब, तो मैं जाके ही बताऊंगा आपको। गाइज तो ये अपना रूम है, देख लो बेड है, 2 बेड है और एक और बेड है, एक ये बेड है, ठीक है। 3 बेड है इसमें, जिसमें आराम से हम हो सकता है शिफ्ट, एंड एसी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो गाइस ये आपका भाई माउंट के ऊपर चढ़ चुका है। और अभी तो लाइट वगैरह तो है नहीं, मतलब पास में इतना अच्छे कैमरे भी नहीं है ताकि आपको मैं बता दूं। और ये हरियाली है, यहाँ पे सुंदरिया भी लहराती है, आपको पता है। यहाँ पे तो क्या ही बताऊँ, माउंट एकदम इतना कूल है, इतना कूल है कि यार बर्फ़ वगैरह मज़े आते हैं यार बहुत। कोई गया हो या फिर नहीं गया हो तो एक बार माउंट आके इंजॉय लेके जाना ज़रूर, क्योंकि कहीं तो हमने रूम दिखाया। अब इस होटल में हम खाना खाने के लिए आए हैं, रूम तो बढ़िया फर्स्ट क्लास ही है। और गाइस क्या हाल है बच्चा, बोल दो कुछ। आज हालत बहुत खराब हो चुकी है हमारी, आज हालत बहुत खराब हो चुकी है। खाना भी खाना है अभी तक, रूम हाँ। देखा है अभी तक, अभी रूम दिखाया, तो खाना खाना जाने वाले हैं, खाना खाने। ये होटल है देख लो, इस होटल में अब जाएंगे हम खाना खाने के लिए। और साथ में हमारे विद फ्रेंड है, आज बहुत परेशान हो गए हैं, गाड़ी में बहुत लंबा सफ़र किया इसीलिए। गाइस तो अभी फाइनली सो रहे हैं, देखो दोस्त वगैरह कुछ इंजॉय कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और ये गणपत भाई है, परेशान हुए है, आप बता दो क्या कोई परेशान वगैरह हुए नहीं हुए? नहीं परेशान नहीं हुए, देखो दोस्तों के साथ आने लेने हैं, परेशान लगे इसमें। हाँ ये तो बात सही है, दोस्तों के साथ में है, और दोस्त के बिना जिंदगी में कुछ नहीं यार, रियली बहुत मजा आया भाई। और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है भाभी से, कोई बात नहीं। और मिस्टर निकू बना है, और गेवराज है, तो मैं बता दूंगा। तो ये बेटा हमारा ब्रो गेवराज भाई, तेरे को आने में कोई समस्या वगैरह तो नहीं हुई ना गाड़ी में? समस्या वगैरह कुछ नहीं हुई, मजे आए ना आज? मजे आए, रियली बहुत मजे आए हमको तो। और दोस्त भी मिले हैं हमारे यहाँ पे, उनको मैं दिखाऊंगा। और अभी हम छुएंगे, मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा आपका। तो आज का वीडियो यहीं पे, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक करना मेरा वेट, और बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।